वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट. ओके, स्पेशली ट्रांसजेनिक क्रॉप्स वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इन दिस स्लाइड. ओके, सी हियर इन दिस स्लाइड व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक मैनिपुलेशन. जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस वेयर द जीन फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द क्रोमोसोम ऑफ अ सेल. When the gene for a particular character is introduced in a plant cell, a transgenic plant is produced. These transgenic plants exhibit characters governed by the newly introduced genes, which helps in the improving crop variety. It ensures food security and insect resistance crops. It also improves the quality and yield of crop. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? तो एक प्रोसेस है जिसको यूज़ करके हम एक फॉरेन जीएनए को और पर्टिकुलर जीन क्रोमोसोम के अंदर अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं. और ऐसा जो जीन है वो स्पेसिफिक कैरेक्टर गवर्न करता है. स्पेशली प्लांट के केस में जो जीन ट्रांसफर करते हैं तो जो प्लांट प्रोड्यूस होता है उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट और ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी कहा जाता है. तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करता है? तो ये हेल्प करता है क्रॉप को इम्प्रूव करने में, और ये फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है. और इससे इसके यूज़ करके हम इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप में एक्वायर कर सकते हैं, और सक्सेसफुली एक्वायर किया गया है इन केस ऑफ बीटी कॉटन. ओके, तो आल्सो इट हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी एंड यील्ड ऑफ द क्रॉप्स. इट इज़ मेजर इम्पॉर्टेंट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग. सी हियर, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम्स जीनोम यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी. इट इज़ अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज टू चेंज द जेनेटिक मेकअप ऑफ सेल्स, इंक्लूडिंग द ट्रांसफर ऑफ जीन्स विद इन एंड अक्रॉस द स्पेसीज बाउंड्रीज टू प्रोड्यूस इम्प्रूवड और नोबल ऑर्गेनिजम्स. तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके, ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम पूरे ऑर्गेनिज्म का पूरा जीनोम या फिर जीन एक स्पेसीज में और स्पेसीज के बाहर के स्पेसीज में भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नोवल ऑर्गेनिजम्स. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स विच इज़ नोन एज अ GMOs आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड द DNA ऑफ विच हैज़ बीन मॉडिफाइड यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक. ओके, व्हाट आर द GMOs? GMOs क्या है? तो ये एक ऐसे क्रॉप्स है, ऑर्गेनिजम्स है जिनका जीनोम मॉडिफाई किया गया है. जीनोम मॉडिफाई कैसे हो सकता है? मॉडिफिकेशन दो प्रकार से हो सकता है. एक तो उसमें एडिशन किया जाए किसी जीन का, या फिर उससे किसी टॉक्सिक जीन को, लिथल जीन को डिलीट किया जाए. इस प्रकार का मॉडिफिकेशन उस क्रॉप में, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में किया जाता है बाय यूजिंग जेनेटिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी. और जो ऑर्गेनिज्म, जो क्रॉप होता है उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. See here in this slide, why should we go for the genetically engineered plants? Okay, by using genetically engineered plants, we can improve the agriculture, horticulture, some ornamental value of the crop plants. Okay, we can achieve resistance in certain pest disease, against certain pest disease and environmental condition. We can reduce the spoilage. We can acquire the resistance to chemical treatments, example resistance to herbicides. ओके, आल्सो वी कैन इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट क्वालिटी, न्यूट्रिएंट प्रोफाइल ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉप बाय यूजिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स. ओके, तो जेनेटिक इंजीनियर प्लांट्स क्यों किया करना चाहिए? जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट्स में क्यों प्लांट का जीनोम अल्टर्ड करना चाहिए? तो उसका यूज़ क्या होता है? तो जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट्स में एग्रीकल्चर में हेल्प करता है, हॉर्टिकल्चर में हेल्प करता है, और सम ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, क्रॉप होते हैं, उनकी वैल्यू भी बढ़ाई जाती है जेनेटिकल इंजीनियरिंग को यूज़ करके. उसके बाद हम रेजिस्टेंस एक्वायर कर सकते हैं पेस्ट के अगेंस्ट, सम डिसीज के अगेंस्ट. इन वी कैन ग्रो प्लांट इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, वैसा भी कर सकते हैं किसी अलग इन्वायरमेंट में. उसके साथ साथ हम केमिकल ट्रीटमेंट्स के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस एक्वायर कर सकते हैं, जैसे कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंस. और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज दैट वी कैन इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट प्रोफाइल ऑफ द क्रॉप. न्यूट्रिएंट प्रोफाइल को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं. ट्रांसजेनिक प्लांट्स, हियर व्हाट इज ट्रांसजेनिक प्लांट्स? ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स
whose genome is altered. Okay, it is the foreign gene. Transgene means what? Transgene is the foreign gene or genetic material that has been transferred naturally or by any of a number of genetic engineering techniques from one organism to another organism. तो transgene क्या है? ये वो gene है जो foreign gene है जिसको हम transfer करना चाहते हैं particular organism में, particular crop में. तो जो gene transfer किया जाता है उसे transgene कहा जाता है. और ये transfer करने के बहुत से अलग अलग method है genetic engineering के. कौन सा ही जो भी method useful होगा उसके लिए suitable होगा वो choose करके आप उसको transfer कर सकते हैं. तो transgenic plants are the plants whose genome is altered by adding or deleting the genetic material. Okay, and transgene is the foreign gene or any foreign gene or genetic material that has been transferred naturally or by using genetic engineering technique from one organism to another organism. Okay, transgenesis. Transgenesis is the phenomena of introduction of exogenous DNA into the genome to create and maintain a stable and heritable characteristics. ओके, तो ये फिनोमिना है जिसके तहत हम बाहरी डीएनए, किसी और ऑर्गेनिज्म का डीएनए किसी और के जीनोम में इंसर्ट कर सकते हैं और उसको उसी में स्टेबल और मेंटेन कर सकते हैं हेरिटेबल कैरेक्टर्स के लिए, पर्टिकुलर हेरिटेबल कैरेक्टर के लिए. See here in this slide, the definition of transgenic plant is given there. The plants whose genome is altered by adding one or more transgenes are known as the transgenic plants. Okay, तो simply ये definition है transgenic plants की, जो ऐसा plant जिसमें एक या दो gene का addition हुआ है transgenesis करके, transgene का addition हुआ है, जिसको ऐसे plants को हम transgenic plants कहते हैं. Next, history of genetically modified organisms. In 1982, the first transgenic plant produced, which is an antibiotic resistant tobacco plant. तो 1982 में जो पहला transgenic plant प्रोड्यूस किया था वो एक antibiotic resistant tobacco का plant था. In 1984, the first successful plant genetic engineering experiment was done by using colimovirus vector. ओके, तो 1984 में पहला सक्सेसफुल प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक्सपेरिमेंट किया गया था जो कि कॉलिमो वायरस वेक्टर का यूज़ करके यूज किया था. कॉलिमो वायरस क्या है? कॉलिमो वायरस कंटेन अ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड आर स्पेरिकल इन शेप. ओके, तो लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग कॉलिमो वायरस. कॉलिमो वायरस इज कंटेन अ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड आर स्पेरिकल इन शेप एंड दिस ग्रुप इंक्लूड्स 15 डिफरेंट वायरसेस ऑफ विच CAMV is the most important for gene transfer. Okay, तो ये कुछ कॉलिमो वायरस का इंट्रोडक्शन था जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए और स्पेरिकल शेप का होता है, जिसके अंदर 15 डिफरेंट वायरसेस होते हैं. आउट ऑफ 15 CAMV is the most important for gene transfer. Okay, let's move towards. In 1994, the first genetically modified crop approved for sale in US. And that was flower saver tomato. Oh, see here the information of flower saver tomato is given there. What is the flower saver tomato? It is the tomato that will not soften while ripening on the vine. Okay, तो क्या होता था, क्या जरूरत है फ्लेवर सेवल टोमेटो की, जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लेवर सेवल टोमेटो की प्रोड्यूस करने की? लेकिन टोमेटो जब राइपनिंग होता है तो उसके ऊपर की जो स्किन होती है वो जल्दी से पतली हो जाती है और जिसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपको ट्रैवलिंग में वो फूट जाते हैं टमाटोज, तो ये प्रॉब्लम था कि आप उसको 2-3 दिन से ज़्यादा इसमें ले नहीं जा सकते. समझो आपको बहुत दूर तक लेके जाना है, 200-400 किलोमीटर को उसको ट्रांसपोर्ट करना है जिसमें 2 या 3 दिन लगते हैं, तो जगह पे ही राइपनिंग होके वो फूट जाते हैं और पूरा ट्रांसपोर्टेशन में अपने को नुकसान होता है. तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी हैव डेवलप अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो दैट इज़ नोन एज अ फ्लेवर सेवर टोमेटो. तो ये फ्लेवर सेवर टोमेटो में क्या है, तो इसमें एक ई कोलाई का जीन ट्रांसफ़र किया है. वी हैव ट्रांसफर अ जीन फ्रॉम ई कोलाई. ई कोलाई क्या है? एशियर्चिया कोलाई इज अ बैक्टीरिया और बैक्टीरियल जीन वी हैव ट्रांसफर्ड. ओके, एंड वो बैक्टीरियल जीन क्या करता है, तो ट्रांसजेनिक टोमेटो वुड अलाउ टोमेटोज टू बी शिफ्ट शेपली, कीप दियर कलर एंड हैव दियर नेचुरल फ्लेवर्स एंड इट इंक्रीज द शेल्फ लाइफ. ओके, तो इसका काम क्या है, तो जीन का, तो वो उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करता है.
शेल्फ लाइफ इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको देरी हो गई तो 2-4 दिन के ऊपर ये टोमेटो राइप नहीं होगा, राइप भी हुआ तो उसके ऊपर की जो स्किन है फटेगी नहीं, तुम्हारा टोमेटो फूटेगा नहीं। तो ये मेजर एडवांटेजेस था और राइपनिंग जो होती है उसके अंदर। ओके, तो फ्लेवर सेवल टोमेटो विच इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो। In 1994, the European Union approved genetically engineered tobacco resistance to the herbicide, which is bromoxynil, and it is the first commercially engineered crop marketed in Europe. Okay, Europe का ये पहला commercially engineered crop है वो which is available in market now. वो 1994 में ये approve किया गया था genetically engineered tobacco, which is resistant to herbicide. Next, in 1995, BT potato was approved by the US Environmental Protection Agency, making it the country's first pesticide producing crop. Okay, here BT potato means BT stands for the Bacillus thuringiensis, which is the bacteria. Bacteria hai Bacillus thuringiensis. BT aur uska gene usme transfer kiya hai, iske liye uske piche BT lagate hai, BT potato. Aur iska approval US ne Environmental Protection Agency ne diya hai aur wo country ka pahla pesticide producing crop hai. Okay. तो GMO, वन ऑफ द मोस्ट कंसिक्वेंट पोटैटो प्लांट एंड प्लांट पेस्ट इज CPB, विच ऑफन बिकम्स रेजिस्टेंट टू केमिकल इंसेक्टिसाइड्स। मॉडिफाइड पोटैटोज कैरिंग जीन CRY3A ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बैक्टीरिया BT। तो इसमें कौन सा जीन है बैक्टीरिया का? CRY3A, जो कि बैक्टीरियल ओरिजिन का जीन है, और वो बैक्टीरिया कौन सा है? Bacillus thuringiensis. In 1996, first genetically modified flower moondust bluish color carnation was introduced. Okay, petunia gene didn't work in rose, so Florizine scientist used their technique on carnation, a much easier species to manipulate than roses. Okay, in 1996, Florizine developed a mauve colored carnation, Florizine moondust, and it was the world's first genetically modified flower on cell. In 1997, developed a second genetically modified carnation, Florizine moonshadow, with a richer and the true purple color. ओके, तो ये फ्लावर है, पहला फ्लावर है जेनेटिकली मॉडिफाइड कार्नेशन, उसमें कलर का चेंज किया गया है जीन ट्रांसफर करके। टू इन 2000, गोल्डन राइस विथ बीटा कैरोटीन डेवलप्ड विथ इंक्रीज न्यूट्रिएंट वैल्यू। तो गोल्डन राइस इट इज़ आल्सो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ग्रेन्स राइस का है, तो इसकी डिस्कवरी की ज़रूरत क्यों पड़ी उसके हिस्ट्री थोड़े बताता हूँ आपको कि साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था कि विटामिन ए की डिफिशियंसी उनके डाइट में होने की वजह से वहाँ के 36,000 के ऊपर, मोर देन 36,000 और इट मे बी इन लैक्स नंबर ऑफ चाइल्ड बिकेम ब्लाइंड और दे लूज देयर विजन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से साउथ अफ्रीका में बहुत से बच्चे, बहुत से आदमी, उनका देखना बंद हो गया, वो ब्लाइंड हो गए, पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए या फिर कलर ब्लाइंड हो गए। ओके, दे लॉस्ट देयर विजन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, एंड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी वी हैव डेवलप्ड द गोल्डन राइस एंड विच इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए बिकॉज इट कंटेन बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इज द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। बीटा कैरोटीन रहता है इसके अंदर, बीटा कैरोटीन एक पिगमेंट होता है, जैसे प्लांट में क्लोरोफिल होता है, कलर पिगमेंट है ना ग्रीन कलर का, तो वैसे ही ये बीटा कैरोटीन येलोइश कलर का पिगमेंट प्लांट के अंदर होता है, राइस प्लांट में भी होता है, लेकिन हम जो राइस का प्लांट खाते हैं वो राइस के ग्रेन्स खाते हैं और ये उसके लीफ में वगैरह प्रेजेंट होता है। तो बाई यूजिंग जेनेटिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वी हैव एडेड और वी हैव स्टार्टेड टू सिंथेसाइज दिस बीटा कैरोटीन इवन इन द ग्रेन्स ऑफ द राइस। ओके, एंड बीटा कैरोटीन का काम क्या है? तो ये विटामिन ए के सिंथेसिस का प्रिकर्सर सोर्स है। इसका कन्वर्जन विटामिन ए में होता है। पाथवे में अगर आप देखोगे तो बीटा कैरोटीन से विटामिन ए तैयार होता है। नेचुरली राइस के प्लांट में विटामिन ए कैरोटीन ये पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन वो लीफ में प्रेजेंट होता है, तो हम उसके ग्रेन्स खाते हैं, ग्रेन्स में ये
प्रोड्यूस नहीं होता था, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने वो ग्रेन्स में भी सिंथेसिस करना शुरू कर दिया है। और उसकी वजह से क्या चेंज आ गया, जो नॉर्मल राइस था वो व्हाइट कलर का था, बट ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ कैरोटीन पिगमेंट, एंड कैरोटीन पिगमेंट क्या है, येलो कलर का पिगमेंट है, दैट राइस बिकम येलोइश कलर, एंड ड्यू टू दैट येलोइश कलर दैट राइस बिकम पॉपुलराइज विद द नेम ऑफ गोल्डन राइस। एक्चुअली ये गोल्डन कलर का नहीं होता है, येलो कलर का होता है। येलो कलर क्यों आता है गोल्डन राइस को, तो कैरोटीन सिंथेसिस हुआ है वो ग्रेन्स के अंदर, और कैरोटीन येलो कलर का पिगमेंट है, कलर पिगमेंट है, वो विटामिन ए का प्रिकर्सर है, इसकी वजह से उस विटामिन ए कैरोटीन गोल्डन राइस को येलो कलर दिखाई देता है और उसका नाम गोल्डन राइस गिरा है। तो ये जस्ट वी हैव डेवलप गोल्डन राइस फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ विटामिन ए और टू फुलफिल द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। ओके, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो हमारी देखने की नज़र कम हो जाती है, हम ब्लाइंड हो जाते हैं और कलर ब्लाइंड हो जाते हैं। तो ये साउथ अफ्रीका में बहुत से लोग हो गए थे कलर ब्लाइंड, क्योंकि उनके न्यूट्रिएंट में जो डाइट लेते थे उसमें विटामिन ए की बहुत बहुत कमी थी, इसलिए उनकी विजन लॉस्ट हो गई थी। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अ डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे डेवलप होते हैं, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आर इट रिक्वायर्स अ टारगेट जीन हो, जिसमें आपको जीन ये करना है, ट्रांसजीन ऐड करना है, वो टारगेट जीनोम की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद वी रिक्वायर्ड अ वेक्टर टू कैरी द जीन। वेक्टर क्या होता है, तो वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी होती है उसको, और जब जब वो रेप्लिकेट होता है और उसके साथ साथ वो जीन को कैरी कर सकता है, और जब जब वो कैरी करेगा तो खुद रेप्लिकेट होगा तो वो जीन का भी मल्टीपल कॉपीज बना दे, वेक्टर लगता है वहाँ पे। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ द फॉरेन डीएनए टू इंक्रीज द लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ओके, अनदर मेथड टू डिलीवर द प्लाज्मिड डीएनए इनटू द सेल, मेथडोलॉजी टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्म सेल, टिश्यू कल्चर टू रिकवर द वायबल प्लांट्स फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म सेल्स। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स इफ वी गो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ओके, ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय एडिशन ऑफ वन और मोर फॉलोइंग जीन्स। ओके, तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये एक या दो एडिशन करके फॉलोइंग जीन्स का बना सकते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे दिया है एंडोटॉक्सिन जीन फ्रॉम बीटी बैक्टीरिया, बैसिलस थुरिंजेनिस बैक्टीरिया है, एंडोटॉक्सिन जीन है, बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटीएज इनहिबिटर्स, बाय प्रोड्यूसिंग अल्फा अमाइलेज इनहिबिटर्स, बाय सिंथेसाइजिंग द लैक्टिन्स, बाय प्रोड्यूसिंग द एंजाइम्स, बाय प्रोड्यूसिंग द पिरिमिडिन जीन्स। ओके, वी कैन हैव द ट्रांसजेनिक प्लांट्स। See here the example, endotoxin gene from BT. BT cotton, you know BT cotton, which is also a genetically modified crop, cotton crop, which is developed the pest, especially pink bollworm, which is the major pest which attack on the cotton crop. तो BT cotton है, endotoxin, उसमें क्या होता है, तो endotoxin gene उसमें add किया है, वो endotoxin क्या करेगा, gene, वो endotoxin synthesize करेगा प्लांट्स में, क्रॉप में, कॉटन के क्रॉप में, और वो एंडोटॉक्सिन पिंक बोलवर्म के गट के अंदर जाने के बाद पिंक बोलवर्म को किल करेगा। तो ये बीटी कॉटन इज आल्सो अ फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एंड विच इज़ कमर्शियली अवेलेबल इन इंडिया। ओके, इंडिया का पहला कमर्शियली अवेलेबल बीटी कॉटन क्रॉप है, एक ही कमर्शियली अवेलेबल है मार्केट में। तो इसमें क्या किया है, तो बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजेनिसिस का एक जीन क्राइवनेसी और क्राइटू ए बी, ये जीन्स जो कि एंडोटॉक्सिन सिंथेसिस करते हैं, वो हमने कॉटन के क्रॉप में ट्रांसफ़र किया है, और कॉटन के क्रॉप में ट्रांसफ़र होने की वजह से जिसपे जो मेजर पेस्ट पिंक बोलवर्म है, अमेरिकन बोलवर्म है, ब्लैक स्पॉटेड बोलवर्म है, जिसका अटैक कॉटन के क्रॉप पे होता था, और वो उसका लीफ, ये पिंक बोलवर्म क्या है, ये तो स्पेशली टिश्यू ईटर है, जो उसके लीफ को खाते हैं, टिश्यूज को खाते हैं, और खाने के बाद उसका फोटोसिंथेसिस ब्लॉक करते हैं, और हमारा अपने को प्रोडक्शन कम मिलता है कॉटन का। तो ये इसको ओवरकम करने के लिए, टू सॉल्व हिस प्रॉब्लम, वी हैव डेवलप अ बीटी कॉटन, ओके, विच इज़ अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप विच हैज़ रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस पिंक बोलवर्म। ओके, तो कैसे रेजिस्टेंस मिलता है, तो जो जीन ट्रांसफ़र किए हैं बैसिलस थुरिंजेनिसिस से, बीटी से, विच जो सिंथेसिस करते हैं एंडोटॉक्सिन। ओके, तो क्रॉप के अंदर जीन ट्रांसफ़र होने की वजह से कॉटन के क्रॉप में जीन, अभी हमें पता है कि जीनोम ईच एंड एवरी सेल में प्रेजेंट होता है,
तो ये जीन एंडोटॉक्सिन सिंथेसिस करता है, तो क्रॉप के ईच एंड एवरी सेल में एंडोटॉक्सिन सिंथेसिस हुआ है। जैसे ही पिंक बोलवर्म कॉटन के क्रॉप पे अटैक करेगा तो ये खाना शुरू करेगा। ये टिश्यू ईटर है, पिंक बोलवर्म क्या है, टिश्यू ईटर है, ये इसके लीफ को खाता है, स्टेम को खाता है। ओके, तो जैसे ही ये खाएगा वो लीफ के साथ साथ उसके अंदर एंडोटॉक्सिन जाएगा, और एंडोटॉक्सिन जाने के बाद वो उसके गट को डिस्ट्रप्ट करेगा। अभी इसके इसका जो फिनोमिना है, अगर इसमें अदर एनिमल्स इसके लीव्स को खाते हैं तो वो मरते नहीं है, ओनली पिंक बोलवर्म मरता है, क्योंकि पीएच माइंड करता है। जब ये प्लांट के अंदर होता है तो ये इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, जैसे ही ये पिंक बोलवर्म के गट में जाता है तो ये इट बिकम एक्टिवेट होता है। तो क्यों एक्टिवेट होता है, तो पिंक बोल इट फॉर द एक्टिवेशन दैट एंडोटॉक्सिन रिक्वायर्स द अल्कलाइन पीएच। ओके, अल्कलाइन एंड दैट पिंक बोलवर्म हैज़ अल्कलाइन पीएच इन इट्स गट। ओके, अल्कलाइन पीएच रहता है पिंक बोलवर्म के अंदर गट में, ये एंडोटॉक्सिन को एक्टिवेट होने के लिए अल्कलाइन पीएच की ज़रूरत होती है। तो एंडोटॉक्सिन खाने के लीफ खाने के बाद एंडोटॉक्सिन उसके गट में जाएगा, गट में जाने के बाद वो क्या होगा, इट गेट अटैचेस टू द इनर लाइनिंग ऑफ द गट ऑफ द पिंक बोलवर्म एंड इट गेट एक्टिवेट एज सून एज इट रीच इन द गट ऑफ द पिंक बोलवर्म, बिकॉज पिंक बोलवर्म हैज़ अल्कलाइन पीएच इन इट्स गट। ओके, एंड आफ्टर एक्टिवेशन द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट एंडोटॉक्सिन इज टू इट्स गेट अटैच टू द इनर लाइनिंग। ओके, तो जैसे ही वो एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, वो पहले उसके गट के इनर लाइनिंग को जाके अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद वो उसके उसमें अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम को पोर्स फॉर्म करेगा, होल्स फॉर्म करेगा, और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्ट्रक्ट करेगा और फाइनली पिंक बोलवर्म को किल करेगा। इसी तरह से इस मैकेनिज्म का यूज़ करके बीटी कॉटन में हमने रेजिस्टेंस एक्वायर किया है अगेंस्ट पिंक बोलवर्म का। अगर ये समझो उस किसी शीप ने या गोट ने इसके लीफ खा लिए तो क्या वो मरेंगे, क्या ह्यूमंस ने इसके लीफ खा लिए, किसी ह्यूमन के बच्चे ने या अपन ने उसके लीफ खा लिए कॉटन क्रॉप के, तो वो एंडोटॉक्सिन अपनी बॉडी में गया, तो हम लोग मरेंगे क्या, तो नहीं मरेंगे। ओके, इट इज़ स्पेशली मेड फॉर द पिंक बोलवर्म। ओके, इट इज ओनली एक्टिव अगेंस्ट द पिंक बोलवर्म बिकॉज इन एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी वी हैव एसिडिक पीएच, हाईली एसिडिक पीएच, एंड इन एसिडिक पीएच दैट एंडोटॉक्सिन इज इनएक्टिव फॉर्म। ओके, तो एसिडिक पीएच रहता है एनिमल के और ह्यूमन्स के गट के अंदर, ये हम इसका लीफ खा भी ले, एंडोटॉक्सिन हमारे अंदर गया भी, तो हमें इसका कुछ नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेगा हमारे गट के अंदर। एसिडिक, हाईली एसिडिक पीएच होता है, जैसे एनिमल के गट के अंदर भी हाईली एसिडिक होता है, और ये पिंक बोलवर्म में अल्कलाइन होता है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है, by using that basic mechanism we have developed a genetically modified cotton crop which is known as a BT cotton. Okay, protease inhibitor, insects have protease in their gut which are the enzymes helping in digestion of protein. Protease inhibitor inhibits the protease and affects digestion in insects. The protease inhibitor are isolated from one plant and cloned into another to produce transgenic plants. Four classes are given there: serine, thiol, methylo, and aspartate. Okay, serine protease inhibitor is the most important. Example: cowpea trypsin inhibitor. Cowpea trypsin inhibitor, which gene derived from the cowpea and cloned into tobacco against helico varpa. Okay, helico varpa के against ये cowpea trypsin inhibitor develop किया है. ये protein को degrade करता है. Protease inhibitor है. Protease enzyme है जो कि protein को degrade करता है. तो cowpea trypsin inhibitor ये protease degrading enzyme है जो कि cowpea से transfer करके clone करके टोबैको में ट्रांसफर किया गया है, जो कि हेलिको वर्पा के अगेंस्ट काम करता है। अल्फा अमाइलेज इनहिबिटर, अल्फा अमाइलेज इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अल्फा अमाइलेज इनहिबिटर अफेक्ट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन इंसेक्ट्स, ट्रांजेनिक टोबैको एंड टोमेटो एक्सप्रेसिंग अल्फा अमाइलेज इनहिबिटर विच आर रेजिस्टेंस टू लेपिडोप्टेरम पेस्ट। लेक्टिन जीन्स, lectin are a group of plant proteins that binds to the carbohydrate including chitin. The deleterious effect of chitin binding lectins on insect development is mediated by binding to chitin in the peritrophic membrane that lines the midgut of insect and thus interfering with the uptake of nutrient. Example: gene encoding the P lectin has been expressed in transgenic tobacco against helico varpa viruses. Enzymes, kinetins,
तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसके आगे का जो है मैं पार्ट टू में बनाऊंगा वीडियो, जिसमें हम डिटेल बीटी कॉटन, पपाया, बीटी पपाया, ये सब प्लांट्स, ट्रांजेनिक प्लांट्स वो देखेंगे। तो अभी हम मूव करते हैं एडवांटेजेस के ऊपर, एडवांटेजेस ऑफ ट्रांजेनिक प्लांट्स। तो आगे जैसे जैसे आगे जाएंगे ये सब हम पढ़ेंगे, बीटी कॉटन भी पढ़ेंगे, बीटी का मोड ऑफ एंट्री, ये सब मैं डिटेल में आपको बता दूंगा, जो भी स्लाइड मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये सब आपको आगे आगे बताऊंगा। आज के लिए, आज के लेक्चर में ये इतना ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, तो आपको देखने में ये सब मेथड वगैरह मैं फिर से आपको डिटेल में बताऊंगा वीडियो करके। ये पपाया, जो वायरस रेजिस्टेंस पपाया, अभी देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांजेनिक प्लांट्स। ओके, एडवांटेजेस, ट्रांजेनिक प्लांट्स इम्प्रूवमेंट, इट इज़ यूज इन द इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। ओके, तो ट्रांजेनिक प्लांट में क्या होता है, तो इसमें इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होता है। इट इंक्रीज द फार्मर्स इनकम, ट्रांजेनिक प्लांट्स हेल्प्स टू इंक्रीज द फार्मर्स इनकम, फार्मर का इनकम बढ़ाने में मदद करती है, फूड का सप्लाई बढ़ाने में मदद करती है, एंड इट इज़ मोर कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल टू यूज़ करने के लिए भी आसान है, सेफर एनवायरमेंटल थ्रू डिक्रीज यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं तो इम्प्रूव क्वालिटी एंड ग्राउंड एंड सर्फेस वाटर विथ लेस पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, एंड इट इज़ सेफ फॉर टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स। ओके, तो ह्यूमन बींग्स के लिए भी ये सेफ है। डिसएडवांटेजेस, ओके, सेकेंडरी पेस्ट इंसिडेंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिनेटर्स एंड प्लांट कम्युनिटीज वुड अकर इफ द टॉक्सिन इज एक्सप्रेस्ड इन प्लांट नेक्टर एंड पोलन। ओके, तो डिस्टरप्ट हो सकते हैं जो पॉलिनेटर है, जो प्लांट कम्युनिटीज़ में, उसमें इसके टॉक्सिन एक्सप्रेस हो गया तो वो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये डिसएडवांटेजेस है। सीसीडी इज़ अफेक्टिंग बीज हाइव्स एंड इट इज़ सपोज टू बी द यूज़ ऑफ बीटी ट्रांजेनिक क्रॉप्स। ओके, तो हनी बीज के लिए भी ये अफेक्ट करता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड इन्ग्रीडियंट कॉजेस कैंसर, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टैनले एवन ने यह रिसर्च में प्रूव किया है कि ये इंग्रेडिएंट्स है जो कैंसर कॉजिंग एजेंट भी हो सकते हैं इनके अंदर। फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड विद जेनेटिकली इंजीनियर मटेरियल कुड इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, ट्यूमर को प्रमोट करते हैं, ट्यूमर की ग्रोथ को जो वाटर में, तो स्टैनले इवन ने ये इन्वेस्टिगेट किया था। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कुड रेज न्यू एलर्जी आउटब्रेक इन ह्यूमंस, पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमंस को एलर्जी हो सके। जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन कंटेनिंग ब्राजीलियन प्रोटीन विच वॉज एलर्जिक टू ह्यूमंस एंड वॉज विड्रॉ फ्रॉम प्रोडक्शन। ओके, तो ये एलर्जिक है सोयाबीन का जो ऑयल है, उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन का ऑयल में ब्राजीलियन प्रोटीन है, वो एलर्जिक कंपाउंड है ह्यूमंस के लिए, वो उसके अंदर से निकाला जाता है। तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस। लेट्स कम टूवर्ड्स द कंक्लूजन। ओके, ट्रांजेनिक प्लांट्स हैव द पोटेंशियल टू सॉल्व द मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स हंगर एंड माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। तो ट्रांजेनिक प्लांट्स में पोटेंशियल है कि पूरे वर्ल्ड को वह हंगर से दूर भगा सकता है, माल न्यूट्रिशन का कोई भी केस नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, हायर यील्ड इसमें मिलती है। ओके, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एनवायरमेंट बाय इंक्रीजिंग यील्ड एंड रिड्यूसिंग रिलायंस अपॉन केमिकल पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड। तो ये हमको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने में हेल्प रखता है, और इसमें जो ग्रोथ है उसके हाई ग्रोथ, हाई यील्ड होने के कारण हम डिपेंडेंट नहीं रहते केमिकल पेस्टिसाइड पे और हर्बिसाइड पे। तो ये कंक्लूजन है ट्रांजेनिक प्लांट का, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिटेल में एक एक क्रॉप को स्टडी करेंगे। ओके, तो थैंक यू।